डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे आप कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब डेरिवेटिव जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब वो कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, वहां पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यू डिफाइन करते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेशन है एक्स का, वाई का, वाई प्राइम का, या कोई भी इसमें से डेरिवेटिव लिया गया होता है। इसका मतलब ये, आप फर्स्ट कर लें कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके डेरिवेटिव हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक रिलेशन है फंक्शन वाई एक्स और उसके डेरिवेटिव्स का, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इनका एक कम्बिनेशन बनाते हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स देख लें, देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इन दी एंड हम इनकी टाइप्स देखेंगे और यहां से आके टाइप्स निकालेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद के लिहाज से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की दो बड़ी किस्में बनाते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से ही जाहिर है इसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, जैसे कि डी वाई बाय डी एक्स। और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब ले सकते हैं, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल वेरिएबल पे या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। और अगर कोई इक्वेशन इस ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का बोझ उठा रही हुई तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट डेरिवेटिव इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई और टी, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है टी। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल दो है इसमें वाई और एक्स, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है टी, तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि जो डेरिवेटिव यहाँ पे लिए गए हैं ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। नंबर थ्री, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हैं। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। दूसरी टाइप क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, मिसाल के तौर पे पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, पार्शियल यू बाई पार्शियल जेड एंड अप टू सो ऑन। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्यों इन्वॉल्व होते हैं, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है तो फिर जो आप उनका डेरिवेटिव लेते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। क्योंकि जब किसी एक के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेते हैं, मिसाल के तौर पे जब आप यू अगर एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो जब आप यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये डेफिनेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव नजर आएगा तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नजर आएगा तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस में जब हम जाएंगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर सिर्फ उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर उसमें सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इन्वॉल्व है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एंड सो दीज आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बड़ा अहम टॉपिक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है और इनमें फर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है। अब डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स, एक बार उसका डेरिवेटिव लिया गया है, अगर दोबारा डेरिवेटिव लें तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, फिर अगर डेरिवेटिव लें ये थर्ड डेरिवेटिव बन जाता है डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव लिए गए हैं, हाईएस्ट
ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा लिया गया, हाईएस्ट वो थर्ड डेरिवेटिव है, हाईएस्ट वो फिफ्थ डेरिवेटिव है, कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन के अंदर आपको मिलता है, तो वो नंबर जो होता है वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री का ताल्लुक है ऑर्डर के साथ। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी एक्सपोनेंट वन भी हो सकती है, उसकी एक्सपोनेंट वन से ज्यादा भी हो सकती है। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली द हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां पड़ा होगा, हाँ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड, आप उसकी एक्सपोनेंट या पावर देखेंगे, बशर्ते के वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक पॉलिनोमियल की सूरत में पड़ी हो। पॉलिनोमियल की सूरत में का क्या मतलब है कि उसकी जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर रूट के अंदर ना हो। ठीक है, वो आपके पास वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वाई और उसके जो डेरिवेटिव हैं वो लीनियर होने चाहिए, या उनकी जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, आप उसकी फ्रैक्शन जो उसकी एक्सपोनेंट है अगर वो स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है उसे खत्म कर लेंगे। तो जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी एक्सपोनेंट क्या है, अब वो एक्सपोनेंट आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये फर्क है ऑर्डर में और डिग्री में। फिर से रिकॉल कर लें, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें पड़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने डेरिवेटिव लिए गए होंगे, जो हाईएस्ट होगा वो ऑर्डर कहलाएगा, और उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो डिग्री कहलाएगी, बशर्ते कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो वाई और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी एक्सपोनेंट आपकी फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, यानी ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डिग्री को डिफाइन करें। एग्जाम्पल देख ले, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव तक गए हैं तो इसका ऑर्डर फर्स्ट है, वन है ऑर्डर। डिग्री क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन है तो डिग्री भी वन है। ठीक है, यानी ऑर्डर भी वन डिग्री भी वन। नंबर टू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, तो इसमें क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक गया है ये तो इसका ऑर्डर टू है। ठीक है, और डिग्री क्या है, अब डी वाई बाई डी एक्स की पावर देखें तो वो टू है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की देखें तो वो वन है। तो डिग्री किसकी पावर होती है, ये हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर टू है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर देखी जाएगी वो वन है, तो इसका मतलब है कि इसकी इसकी जो डिग्री है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो वन है। अब ऑर्डर टू है लेकिन इसकी डिग्री वन है। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसका ऑर्डर भी वन, ऑर्डर वन डिग्री वन। सेकेंड में क्या देखा आपने, सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसका ऑर्डर टू है लेकिन डिग्री क्या है इसके हाईएस्ट पावर वो वन ही है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट में आप देखें कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आ रही है स्केयर रूट की फॉर्म में वन ओवर टू, तो आप पहले इसका स्केयर लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब देखें इसकी इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ऑर्डर तो आपको नजर आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव तक गया है तो ऑर्डर टू है। अब डिग्री क्या है इस वक्त, इसकी एक्सपोनेंट क्या है टू है, तो ऑर्डर टू डिग्री टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर देख लें, एग्जाम्पल फोर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड पे क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे, हम इन रूट्स को यहाँ से खत्म करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपोनेंट सिक्स ले लेंगे। एक्सपोनेंट सिक्स लेने से यहाँ एक्सपोनेंट थ्री आ जाएगी, यहाँ एक्सपोनेंट टू आ जाएगी। ठीक है, अब आप रूट का आपका खत्म हो गया। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर क्या है जी, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव तक क्या है। डिग्री क्या है जी, सेकेंड ऑर्डर की एक्सपोनेंट देखनी है फर्स्ट की नहीं, तो डिग्री क्या है यहाँ पे थ्री, ऑर्डर टू है डिग्री थ्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, यहां पे सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर तो आपको नजर आ गया, एक ही डेरिवेटिव लिया है दूसरा नहीं लिया तो ऑर्डर वन है। डिग्री के लिए पहले आप इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें, तो यहां पे ये जो वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स है आप इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू फोर डी वाई बाई। अब यहां से देखें ऑर्डर वन और डिग्री क्या है इसका क्यूब है, तो डिग्री क्या है इसकी थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल सिक्स, इधर आपके पास स्क्वायर रूट है इधर आपके पास वन बाय थ्री है, अब आप इसको खुद चेक कर लें कैसे खत्म करना है आपने। नंबर सेवन,
सेवन में देखें कौन से ऑर्डर डेरिवेटिव तक गया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव तक है, ऑर्डर टू है। अब सेकंड डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट क्या है, थ्री है, तो इसकी डिग्री थ्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एट, एट में आपके पास देखें पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर तो इसका वन है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया जस्ट। डिग्री के लिए आप पहले स्केयर रूट खत्म करें, ये स्केयर रूट आप खत्म करने के लिए, क्योंकि ये स्केयर रूट डी वाई बाई डी एक्स पे आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स की एक्सपोनेंट से डिग्री पता चलेगी, जब आप इसका लेंगे स्केयर, स्केयर लेने से ये बन जाएगा ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, ठीक है। तो आपके इस जब आपका स्केयर आ जाएगा तो इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर आ जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, टू, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक नोट है, रिमार्क है, आप नोट कर लें, बस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनकी डिग्री भी नहीं पता चलती, यानी जिनकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती, ऑर्डर पता चल जाता है सबका। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर वन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो दैट इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि ये टैन की फॉर्म में आ रहा है, टैन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स ट्रांसीडेंटल फंक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो फिर आप उसकी डिग्री स्पेसिफाई नहीं कर सकते, डिग्री जब वो पॉलीनोमियल की फॉर्म में होती है तब उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। मसलन जब जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो फिर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आप इनको मैकलॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज की मदद से आप पावर सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो जिसका एंगल होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी हायर पावर आती रहती है, कोई एक आप नहीं कह सकते कि ये किस डिग्री की पॉलिनोमियल बनती है। तो बाद ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, फिर से सुन लें, ऑर्डर क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखना है कौन सा डेरिवेटिव मैक्सिमम, कितने डेरिवेटिव लिए गए, तो वो जो मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव हो, अगर सेकेंड हो, थर्ड हो, वो उसका ऑर्डर बन जाएगा, जो मैक्सिमम उसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ वो ऑर्डर जो है वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, और हर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा वो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कम से कम आप लिख सकते हैं। आगे बाद आगे डिग्री की, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर इन्वॉल्व होगा उसके पीछे पड़ जाना है। पहले तो आप इक्वेशन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट के अंदर अगर रूट आ रहा है उसे खत्म कर सकते हैं, नेगेटिव आ रहा है उसे खत्म कर सकते हैं, अगर ट्रांसीडेंटल फंक्शन में वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है उसे नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम जब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर तब बनती हुई वो डिग्री कहलाएगी। हो सकता है वैसे उसकी एक्सपोनेंट कुछ और हो, लेकिन जब आप पॉलिनोमियल में चेंज करें तो फिर कोई और हो, इसलिए आपने ख्याल रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आपने एक उसकी जो एक्सपोनेंट्स को देख के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट देख के बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत अहम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर कब होगी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब होगी जब उसके डिपेंडेंट वेरिएबल मिसाल के तौर पे y, उसके डेरिवेटिव मिसाल के तौर पे y प्राइम डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम कोई भी, जब ये सारे डिग्री वन के होते हैं, y एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ डिग्री वन, तो आप कहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी लीनियर होने के लिए इसके y को और y के तमाम डेरिवेटिव्स को लीनियर होना पड़ेगा। क्या मतलब है, आप तीन बातों से इसे बयान कर सकते हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y और उसके तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी एक्सपोनेंट वन होती है। अगर कहीं पे भी y की या किसी डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट आपको वन से ज्यादा नजर आई तो फिर इसका मतलब है कि वो नॉन लीनियर होगी, वो लीनियर नहीं हो सकती। नंबर टू, y का और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं इनका कभी भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, या डेरिवेटिव्स का आपस में प्रोडक्ट नहीं आएगा उसमें। कभी आपको नजर आता है कि y का किसी डेरिवेटिव से प्रोडक्ट आ रहा है या कोई से दो डेरिवेटिव्स का आपस का प्रोडक्ट आ रहा है, फिर जाहिर है डिग्री वन नहीं रहेगी बल्कि ऐड होकर डिग्री बढ़ जाएगी, तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगी, वो नॉन लीनियर बन जाएगी। इसी तरह नंबर थ्री, नो ट्रांसीडेंटल, अगर आपको नजर आया कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बशर्ते कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, अगर वो आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर वो आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, यानी किसी भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन की फॉर्म में आ गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो जो इक्वेशन है वो बड़ी खौफनाक हो जाएगी, वो नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है।
तो नॉन लीनियर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन तीन वजह से, वाई या उसके किसी डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट वन से बढ़ जाए, नंबर टू कहीं प्रोडक्ट आ जाए वाई का या उसके डेरिवेटिव्स का आपस में, और या फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में आ जाए, तो फिर आप कहते हैं कि ये कोई एक बात भी अगर हो जाए तो आप कहते हैं कि ये जो है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन जब नहीं होगी तो फिर साफ जाहिर है वो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल वन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर इसका टू है, दूसरा डेरिवेटिव लिया हुआ है, होल रेज टू पावर वन होने की वजह से डिग्री वन है इसकी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसकी पावर वन है। यहाँ पे लीनियर है कि नहीं है, तो ये लीनियर है, क्यों, क्योंकि वाई भी पावर वन के साथ है, वाई डबल प्राइम भी पावर वन के साथ है, कोई प्रोडक्ट वाई और उसके डेरिवेटिव का नहीं है, कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वाई में नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके पास ऑर्डर वन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री वन की भी है, और ये लीनियर भी है, क्यों, क्योंकि y की एक्सपोनेंट 1, dy by dx की एक्सपोनेंट 1, y और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा, y या उसके डेरिवेटिव्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में भी नहीं आ रहे, ये x आ सकता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, सारी कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल पे है, डिग्री और ऑर्डर में और लीनियर और नॉन लीनियर में। अच्छा, तीसरी, एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कैसी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर वन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, डिग्री टू है इसकी पावर टू है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये नॉन लीनियर है, क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि वाई प्राइम का स्क्वायर आ गया, तो ये लीनियर नहीं रही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरह से, ये आगे टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 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 प्राइम, ये नॉन लीनियर है, क्यों नॉन लीनियर है, वाई अपना डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आ गया, वाई वाई प्राइम का प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एक नोट है, आप इसे गौर से समझें, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री वन, कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर भी हो, यानी इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, अगर कोई इक्वेशन लीनियर है उसका मतलब कुछ और है, अगर डिग्री वन है तो उसका मतलब कुछ और है। मिसाल के तौर पर देखें, ये इक्वेशन फोर देखें, इक्वेशन फोर में हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड इन्वॉल्व है, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वो टू है, अगर डिग्री देखी जाए तो डिग्री इसमें वन है, सेकंड डेरिवेटिव की पावर देखी जाए तो वन है, क्योंकि डिग्री में सिर्फ आप देख रहे हैं हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है बस उसको देख रहे हैं, कि उसकी पावर वन हुई तो डिग्री वन तो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ y और y प्राइम का प्रोडक्ट भी आ रहा है, अगर y y प्राइम का प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर, नॉट लीनियर इक्वेशन, लीनियर नहीं है, लेकिन डिग्री वन है, इसका मतलब है कि हर डिग्री वन की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होती, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री वन मे बी नॉन लीनियर। ये एक और एग्जाम्पल है, अब इसमें फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री है, डिग्री वन ऑर्डर वन, लेकिन क्योंकि एक तो प्रोडक्ट आ रहा है, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आ रहा है वाई, तो इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री वन की इक्वेशन नॉन लीनियर भी हो सकती है, ये होगी लीनियर और नॉन लीनियर की पहचान। अभी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिएगा, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिहाज से डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स, जैसे आपने इक्वेशंस के अंदर पढ़ा था होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, तो यहाँ पे होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू जीरो, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू जीरो करने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल जीरो पुट कर दे तो वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी जिसका ये एक ये सोल्यूशन हो y इज इक्वल टू जीरो, और अगर वो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई नहीं करता, यानी y इज इक्वल टू जीरो नहीं पुट किया जा सकता, y इज इक्वल टू जीरो उसका आंसर नहीं है, उसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। निशानी क्या होती है इसकी, एग्जाम्पल्स में भी आप देख सकते हैं क्या निशानी है इसकी, इसकी निशानी ये है कि ये जो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें कोई भी फंक्शन आपका फ्री फ्रॉम y या उसके डेरिवेटिव नहीं होता, कोई फंक्शन देखें आप अलोन, एक्स अलोन नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोन नहीं आ रहा,
वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करें, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये होमोजीनियस है। सेकेंड में वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करें, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी होमोजीनियस है। थर्ड में वाई को जीरो पुट करें, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन वन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस नहीं है। फोर्थ में वाई को जीरो पुट करें, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, रिकॉल करें, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें डेरिवेटिव पढ़ा हो, किसमें उसकी कौन कौन सी है। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नजर आता है तो ओडीस, अगर पार्शियल डेरिवेटिव नजर आता है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आर्डर देखना है, कितना डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, कितने डेरिवेटिव लिए गए हैं, और वो जो आखिरी डेरिवेटिव लिया गया है हाईएस्ट ऑर्डर का, उसकी एक्सपोनेंट क्या है, वो डिग्री बन जाया करेगी। फिर आपने देखना है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से किसी की पावर वन से ज्यादा तो नहीं, कहीं उनका प्रोडक्ट तो नहीं, कहीं वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो नहीं आ गए, इस तरह लीनियर नॉन लीनियर। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में क्या करना है, आपने जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे आपने जीरो रख के देखना है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, अगर वो उसका सोल्यूशन होगा तो होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे काफी सारी वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन रखी हैं जिनका आपसे वास्ता पड़ेगा, इनको आप देख लें, इनकी ऑर्डर, डिग्री, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ओडीज है, पीडीज है। ठीक है, इसका ये सारी चीजें अब आप देख लें, लेजेंडर इक्वेशन, बेसल इक्वेशन, हर्माइट इक्वेशन, ग्रे इक्वेशन, कैप्चर इक्वेशन, गैबिनवेयर इक्वेशन, हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन और कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशंस, एंड देयर आर आल्सो सम आफ्टर दी सम वेरी वेल नोन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सम टाइम ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं, पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एंड लॉट्स ऑफ अदर, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, और बहुत सारी वेल नोन इक्वेशंस हैं जिन्हें आप याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए, और उनको आप प्रैक्टिस करेंगे डिग्री फाइंड करने के लिए, ऑर्डर फाइंड करने के लिए, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, लीनियर नॉन लीनियर, ओडीज पीडीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, और हम बात करेंगे कि अगर कोई जनरल सोल्यूशन दिया गया हो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन।